वहीं यूपी के रायबरेली में अवैध शराब के तस्करी का मामला सामने आया है। बता दें, पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस ने शराब की 119 पेटियां बरामद की हैं, जो कि बिक्री के लिए अमावा ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंस्पेक्टर मलेरिया की टीम कल रात में अचानक चेकिंग के लिए निकले हुए थे। इन्हें कई सूचना मिली कि छजलापुर के आसपास कोई अवैध रूप से एक गाड़ी खड़ी है, तो जिसकी चेकिंग में 119 अवैध शराब की बोतलें प्राप्त हुई है, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। और मौके से तेज बहादुर सिंह पकड़े गए हैं। दो अभियुक्तों को वांछित रखा गया है, जिसमें एक राजू पासी है, दूसरा नन्नू जायसवाल। तो पेटियों कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था? ये यहाँ छजलापुर से ये अमावा क्षेत्र में ले जाने की बात बताई जा रही है।